सो हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ काफ़ी दूर, 1000 ही किलोमीटर दूर। तो आपको जर्नी बताते हैं कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, तो आप देखते रहिए। 1000 किलोमीटर दूर जाऊँगा मैं तो, और क्या सफ़र होता है उसका मज़े लीजिए। वैसे तो मैं गुजरात जा रहा हूँ, आप देख लेना गुजरात, अगर आपको जाना है सूरत तो आप मेरी जर्नी के साथ मेरे मज़े लीजिए। और ये बाबू मुझे बाय कर रहा है, बाबू बाबू ये अभी खा रहा है बिस्किट, अभी करेगा मैंगो। ए इधर देख, नहीं देखे? ओ नाराज हो गया मेरे से ही, तो ये नाराज हो गया है अभी मुझसे नाराज हो गया, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ ना इसलिए। तो अभी चलते हैं, और अभी पापा जी मुझे छोड़ने जा रहे हैं बस पे, फिर वहां से रेल में जाएंगे तो आपको बताते हैं। हो गया है और अब मुझे बाय कर रहा है, बाय करो बाबू बाय करो। ओके भाई, इतनी सी देर में, 2 ही मिनट में खुश हो जाता है। तो अब चलते हैं अपन। तो दोस्तों मैं पुलिया पे आ चुका हूँ, यहाँ पे बस मिल ही नहीं है, काफ़ी देर हो गई मेरे को। हेलो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ, मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ, तो यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे भीड़ है रेलवे स्टेशन पे, देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। ये सब काम करने वाले हैं, गांव से आ रहे हैं, सब गांव गाँव से इधर से आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर, और ये देखिए से आती है ना जो, तो लेके आते। तो दोस्तों अभी हम बैठ गए हमारे सीट पे, और जो हमारे साथ जाएंगे अभी तक आए नहीं, लगभग लगभग दूरी पे सोने वाली स्लीपर तो मिली नहीं हमको। तो दोस्तों हमारी रेल चल चुकी है, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बाहर वाली ट्रेन चल रही है, लग रहा है ना। तो अभी हम निकल चुके हैं, और हमारे बग्गी के अंदर भी बैठ चुके लोग बाग आके। ये देखिए मेरा सामने वाला बंदा नहीं दिखाऊंगा, वो थोड़ा अपवाद है, ये देख लीजिए इनको भी तो ये देखिए दोस्तों अजमेर तक पहुंच गए हैं। ये है दोस्तों अजमेर के पहाड़, अजमेर तक आ गए अभी तक। तो दोस्तों ब्यावर तक पहुंच गए अपन, ये देखिए ब्यावर। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बीच उतर गए हैं, ये देखिए ये बीच रास्ते में हम उतर गए। ये कौन सा है ब्या? सोजत है ये, सोजत पानी किधर से भरे। सो दोस्तों 9 घंटे हो चुके हैं अभी तक, और अभी हम आधे रास्ते में ही पहुँचे हैं इस सड़क में, सड़क क्या रेलवे स्टेशन पे, कौन सा स्वरूपगंज, स्वरूपगंज तक। और ये देखिए सब बाहर आ गए सारे लोग।
और हमारी बग्गी खाली है इसमें। तो दोस्तों सुबह बैठे थे और रात हो गई, ये देखिए रात हो गई, सुबह बैठे थे, सारा दिन हो गया ट्रेन में, ज्यादा लाइक नहीं आ रहा। अब बोलो तो दोस्तों रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं, आप हालत देख ही रही हो, सुबह 9 बजे बैठे थे, 12 घंटे हो गए और जैसा कि आप देख रहे हो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी ये स्टेशन आ गया, थोड़ा सा लाइट दिख रही है। तो कितने बज गए आप बताओ, क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया देखो फिक्स 9 बज चुके हैं, 9 मतलब 12 घंटे हो गए इसी सीट पे बैठे हुए, थोड़ी देर बाहर गए थे आपको जैसे बताया, और हमारे ये भी आए हैं, थोड़े थोड़े आ जाते हैं, कोई कोई आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए साबरमती नदी काफी लंबी है, ओ माय गॉड डर लग रहा है मुझे तो। देखिए दोस्तों काफी लंबी है, ये फोन अगर फोन गिर गया तो गया, फिर तो 20,000। दोस्तों काफी लंबी नदी है ये देखिए, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, आके आप देख सकते हो। दिख तो रही है, है? तो दोस्तों ये देखो 50 रुपए में थाली दे रहे हैं, ये से दे रहे हैं, और कौन सा स्टेशन जी? अहमदाबाद स्टेशन पे, ये देखो दे रहे हैं। अरे भैया हमारी ट्रेन चली है, तुम्हारा कितना? अच्छा दे दो, अच्छा दे दो, ये मिल दे दो, अभी साथ बोला ना, अभी साथ का हिसाब करो ना यार, बोल देना दूसरा भी इंसान खड़ा है ना यार, पहले बोल देने, और भी इंसान खड़े ना यार भाई, पहले एक साथ में बोल देने का भाई, दूसरे भी तो लोग खड़े हैं, तुमको उसी टाइम बोलना चाहिए। चाचा का किसका है? तो दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं और ये देखिए सभी ही जो है सो गए, सब रात के 2 बजे सब सो रहे हैं, ये देखिए सब इधर उधर पड़े। सब ऐसे कैसे पड़े हैं रात को, आंखों में नींद भरी हुई है, और हमारा रेलवे स्टेशन भी आने वाला है। सो दोस्तों 2 बज चुके हैं और 2 बजे हम आ गए सूरत रेलवे स्टेशन, ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ।